फ्रेंड्स, खमा गणिसा। मेरा नाम है अंजलि, मैं इडर गुजरात से हूँ। मैंने गृहिणी शेफ चैलेंज 2 में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मेरी मेन रेसिपी है पनीर भुर्जी। तो आइए बनाते हैं पनीर भुर्जी। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है पनीर 200 ग्राम, 2 बड़े टमाटर, 3 मीडियम साइज के प्याज, 10 से 12 काजू, आधी कटोरी लहसुन, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ा सा खड़ा मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा और लाल मिर्ची तिक्की वाली, थोड़ी सी मलाई ली है, थोड़ा सा दूध लिया है, धनिया गार्निशिंग के लिए लाल मिर्ची तिक्की वाली, हींग, नमक स्वाद के अनुसार लेंगे और थोड़ा गरम मसाला। तो आइए अब अपन रखते हैं एक पैन, उसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, तेल गरम हो जाए जब तक। तेल गरम होते ही हमने थोड़ा सा डाला है जीरा, जीरा थोड़ा सा चटक जाए। उसके बाद डालेंगे प्याज, प्याज के बाद हम थोड़ा सा डालेंगे लहसुन, टमाटर। थोड़ा सा पक गया है, अब इसे गैस ऑफ कर देंगे और अब थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे। गया है, इसे अब अपन ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर में, मस्त अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। तीन बड़े चम्मच जितना तेल, तेल गरम हो जाए उसके बाद डालेंगे हम ये खड़ा मसाला। तेल गरम हो गया है, अब इसमें डालेंगे अपन तेज पत्ता और ये खड़े मसाले, और उसके बाद डालेंगे थोड़े से काजू, उसके बाद डाल देंगे ये बनाई हुई ग्रेवी, पका लेंगे जब तक तेल नहीं छूट जाता है। ग्रेवी तैयार होगी जब तक हम सूखे मसाले का पेस्ट तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी सी तीखी लाल मिर्च 1 चम्मच, ये बहुत ज़्यादा तीखी है क्योंकि हमारे घर में थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, और 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा ऊपर से भी डालेंगे उससे टेस्ट अच्छा आता है। नमक थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि मसाले में नमक डाला था। कलर के लिए 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, अब इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। मसाला पक गया है, अब इसमें अपन डालेंगे तैयार करा हुआ मसाला। अब इसे अच्छे से पक जाने देंगे, जब तक इसका भी टेस्ट ऊपर नहीं आता है और कलर अच्छा नहीं आ जाए। मसाला हो गया, इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से ऐसे क्रश करके डालेंगे जिससे टेस्ट अच्छा आएगा। ग्रेवी पक चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे ये ग्रेट करा हुआ पनीर।
थोड़ी देर इसे पकने देंगे। सब थोड़ा सा पक जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे फ्रेश मलाई, जिससे इसका क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। जो लीजिए, तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर भुर्जी। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया से गार्निश कर देंगे।